उत्तराखंड में पारंपरिक तरीके से मनाए जाने वाले पर्व की अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय पर्व हरेला की आज शुरुआत हो गई है। हरेला पर्व के मौके पर उत्तराखंड मंडी परिषद ने स्थानीय लोगों को 2500 फलदार पौधे बांटे हैं और इसका शुभारंभ नैनीताल के सांसद अजय भट्ट और मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट की ओर से किया गया है। मौके पर सांसद की ओर से कहा गया, पर्यावरण की सुरक्षा करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और पर्यावरण अगर बचेगा तो ही मनुष्य का जीवन भी बच सकेगा। पर्यावरण की सुरक्षा करना आज आम आदमी की जिम्मेदारी हो गई है। शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है, आदमी का जीवन कैसे बचेगा। दो चीज़ें जीवन बचाने के लिए बहुत आवश्यक है, और सॉयल इरोजन हो रहा है, जगह जगह भूमि का कटाव हो रहा है, इसे भी बचाना आवश्यक है। इसलिए हम लोग जो अपने साल भर में बूथ पर त्यौहार करते हैं, 4-5 कार्यक्रम जो हम करते हैं, 5-6 कार्यक्रम, उसमें से 2 कार्यक्रम हमारे स्थानीय हैं प्रदेश के, जिसमें से एक हरेला कार्यक्रम है। हाँ, मंडी परिषद के द्वारा पूरे प्रदेश को ये हम संदेश देना चाहते हैं कि हरियाली भी बनाए रखें, पर्यावरण को भी बचाए रखें, और हम फलदार वृक्ष भी किसानों को दे रहे हैं। किसानों को निःशुल्क यह पौध वितरण पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे किसानों को भी और पर्यावरण को भी, दोनों को लाभ होगा। मैं सभी किसान भाइयों से अपने जो भी पौध यहाँ पर से ले जाएं, उस पौधों की जो भी अपने घर में पौध को लगाएं और उस वृक्ष की सुरक्षा भी करें, वृक्ष आगे भी बढ़े, वो फलदार हो और उसके फल भी इसी जीवन में अपने वो खाएं, यही मैं कामना करते हुए सभी लोगों से कहता हूँ।